सनी देओल की फिल्म गदर उनके करियर की माइलस्टोन फिल्म्स में से एक है, लेकिन शायद ही आपको इस बात का पता होगा कि अपने गुस्से के लिए मशहूर सनी देओल एक बार गदर के लिए मिले हुए अपने एक अवार्ड को बाथरूम में ही छोड़ आए थे। और ऐसा इस वजह से नहीं हुआ था क्योंकि वो गलती से अवार्ड भूल गए थे, बल्कि जानबूझकर वो अपने अवार्ड को अवार्ड फंक्शन वेन्यू के बाथरूम में छोड़ आए थे। बात उस समय की है जब बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म गदर रिलीज हुई थी। गदर 1 जिस समय रिलीज हुई थी उसी साल में आमिर खान की फिल्म लगान भी रिलीज हुई थी। और उस साल की फिल्म्स के अवार्ड जब नेक्स्ट ईयर ऑर्गेनाइज हुए तो उसमें सनी देओल की फिल्म गदर को बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर चॉइस अवार्ड मिला था। गदर को जी टेलीफिल्म्स ने बनाया था और जी टेलीफिल्म्स के पूर्व सीईओ संदीप गोयल ने अपनी एक किताब ऑनेस्ट टू गॉड में इस किस्से का जिक्र किया था। उन्होंने अपनी इस किताब में बताया था कि क्योंकि गदर का निर्माण जी टेलीफिल्म्स ने किया था और ये अवार्ड फंक्शन भी जी टेलीफिल्म्स ने ही करवाया था, लिहाजा वो गदर को बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में नहीं रख सकते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो अवार्ड फंक्शन की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठ सकते थे। लिहाजा जी अवार्ड्स में सनी देओल की फिल्म गदर को बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में नहीं रखा गया और ऐसे में उस साल का बेस्ट फिल्म का अवार्ड लगान को मिला और लगान के लिए ही आमिर खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। ये सभी जानते हैं कि गदर ने लगान से बेहतर बिजनेस किया था। ऐसे में जब अवार्ड फंक्शन के दौरान सनी देओल ने ये देखा कि बेस्ट एक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड गदर को मिलने के बजाय आमिर खान को मिल रहा है तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उनका गुस्सा और ज्यादा तब बढ़ा जब अवार्ड फंक्शन में आए लोगों ने उन्हें और भड़का दिया। उस समय सनी देओल को ये नहीं पता था कि इसी अवार्ड फंक्शन में उनके लिए एक खास अवार्ड भी रखा गया है। जब उनका नाम इस खास अवार्ड के लिए अनाउंस हुआ तो वो हैरान रह गए। बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर्स चॉइस अवार्ड। सनी देओल ये अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर तो आए, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। अवार्ड फंक्शन खत्म होने के बाद सनी देओल वेन्यू के बाथरूम में गए और वहां जाकर इस अवार्ड को छोड़ आए। और उसी समय से सनी देओल को अवार्ड फंक्शंस और अवार्ड फंक्शन देने की इस प्रक्रिया से नफरत हो गई और इस तरह से सनी देओल ने गदर को मिले हुए अवार्ड को ठुकरा दिया। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने फिल्म गदर और सनी देओल से जुड़े हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्से को आपके सामने लाकर रख दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो के साथ होती है आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।